सुनते ही आ रहे हैं कि IMF इन्हां दा बूवे। ते तुही की कर दे हो? रक्षा चलांदे हो? जी आ मेरा रक्षा वे। की नाम रक्षा? कोई नाम रखिया है? मेरा रक्षा दा नाम है चंदा पहलवान। चंदा पहल चंदा कुड़िया नाम है ओ पहलवानी नहीं ओए? नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सैफ अली एंड वेलकम टू सैफी भाई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पाकिस्तान के शहर गुजरांवाले में आए हैं। ये गुजरांवाला मेरा अपना होम टाउन भी है। तो आज हम लोगों से इधर पूछते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसकी मेन वजह क्या है और लोग इसको क्या समझते हैं, क्यों बढ़ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। क्या नाम है सर जी? जुबैर अहमद नाम है मेरा। ठीक है जुबैर अहमद सर, तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, लोगों को मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुश्किलात हो गई हैं लोगों के लिए, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी मेन वजह आप किसको समझते हैं और ये कैसे हल हो सकता है आपकी नज़र में, इसका क्या है? हमारे व्यूअर्स को काइंडली बताइएगा भाई जान। असल में बात यह है कि मैं आपसे ये बात करूंगा कि अगर ये मामलात जब तक हमारी हुकूमत जो है ना, ये आपस में जो इनके मामला चल रहे हैं ना, अगर ये सही ना होंगे तो हमारे ये कारोबार नहीं सही होंगे। इनकी वजह से हमारे मामलात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। हर बंदा परेशान है, घर के मामला से परेशान है और हर बंदा यही चाह रहा है कि मेरे घर के मामलात बेहतर हों। अल्लाह ताला के फजल से ही होने हैं, बहरहाल वैसे का और मामलात कोई नहीं है। कोई कहता PTI सही है, कोई कहता नून लिंग सही है, हम तो अपने रब ताला की दात के ऊपर ही भरोसा करते हैं, तो उसके ही दात पे बैठे हुए हैं हम, अपने अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांगना है। इन लोगों ने हमें कुछ नहीं देना, इन्होंने हमें सिर्फ बेरोजगारी देनी है और इन्होंने हमें सिर्फ मारने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सूरज। सूरज सर है मुस्लिम नेम है? हाँ जी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अच्छा सर जी दसो कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है दिन ब दिन। हाँ जी। ठीक है, एरी मेन वजह की है, क्यों तुसी समझदे हो क्यों होंदी पई है महंगाई? महंगाई वेखो जेड़ा आंदा सियासत दा नवा, अच्छा वो अपना एक ओना नाल मादा कर लेंदा वे, की कहंदे ने वो जेड़ी पार्टी है जेड़ी चंदा दे रही पाकिस्तान IMF ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣੀ, ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਘਿਓ ਵੇਚਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ IMF ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹਿ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੇਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੱਖਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਚੰਦਾ ਕੁੜੀਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਜੀਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੈਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਏ ਹਾਉ ਆਰ ਯੂ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੈਸੇ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਆਪ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਸਰ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੁਕਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਲੁਕਮਾਨ ਸਰ, ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਬਾੜੀ ਹੈ, ठीक है, में लोग जॉब तलाश नहीं कर सकते सही तरीके से, तो इसकी आप क्या समझते हैं, इसकी मेन वजह क्या है, ये ऐसा क्यों है, तो ये कैसे ठीक हो सकता है, आप काइंडली थोड़ा मुझे बता सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, बात पता क्या है, हमारे मुल्क का जो तालीमी नसाब है ना, उस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, हम लोग जो है ना, हमने पेड़ चाल बनाई हुई है, जिस तरह बाहर के मुल्कों में लोग देखते हैं कि एक बच्चा उसमें टैलेंट क्या है, उसको प्रमोट करते हैं, ऐसा ही है, उस पर वर्क करते हैं,
फिर अगले बंदे को आगे लेके आते हैं, इनको एक्टिविटीज़ देते हैं। तो यहाँ पे ये हिसाब नहीं है, यहाँ पे हम रट्टा लगाने वाले लोग, मतलब प्रैक्टिकल काम बहुत होता है उधर, सारी यही बात होती है। यहाँ पे हम ना रट्टा लगाने वाले लोग हैं, हमने बस लाइनें याद करनी और पेपर लिख के आ जाए। तो ये आप समझते हैं क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लोगों में मैच्योरिटी नहीं है। हमारे मुल्क का निसाब एक जैसा हो ना गवर्नमेंट और प्राइवेट का, फिर मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हालात भाई इस तरह के आ गए हैं कि लोग जो है ना बाहर को दौड़ने की करते हैं, अपने मुल्क में रह के यहाँ पे मेहनत करें, अल्लाह पाक बड़ा रिजक देता है। ठीक है, आप मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, बड़े मौके अल्लाह ताला इजाज़त देती है। कि पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत ज्यादा, और ये लोग कहते हैं कि जो हमने 5 साल लगा के करना है वो हम बाहर 1 साल में जाके कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या? भाई महंगाई, अब की आपकी उम्र कितनी हो गई है माशाल्लाह? 24 ईयर्स। आपने अपने 24 ईयर्स में यही सुना है, हर दौर में महंगाई का सुना है, बिल्कुल महंगाई तो चलती रहनी, ये दुनिया का निजाम है। कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ मतलब स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ये मामलात हैं। बाकी ये है कि हमारा जो मेन जो वर्क है ना, इस पर हमें फोकस करना, हमारे पाकिस्तान में हमारे तलीमी नसाब एक नंबर करना चाहिए। ओके सर। बच्चों को प्रमोट करें, अच्छे से अच्छे तरीके से तलीम को आम करना चाहिए। हमारे मुल्क में तलीम आम नहीं है, तलीम इतनी महंगी कर दी गई है कि यहाँ पे गरीब आदमी पढ़ाई करा ही नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पे इतने हालात पेचीदा हो गए हैं, आप तलीम को जितना मर्जी कोशिश कर लें, यहाँ पे तलीम आम होनी चाहिए। तलीम हर बंदे का हक है भाई जान, यहाँ पे 10 क्लास तक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यार वो हर थर्ड पर्सन को, हर अमीर का बच्चा या गरीब का बच्चा, उसको तलीम जो कर दे वो करना चाहिए लाजमी, इस पे बहुत जरूरी है। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक जी। फारूक सर, तो आप हमें आज बताएं जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ये इसकी मेन वजह क्या है, तो ये कैसे सही हो सकता है? बेटा मैंने तो, मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैंने अपनी उम्र में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है सियासत में भी, और मेरे नज़र में तो ये जो इनकी सब पॉलिटिशियन की आपस की लड़ाई है वो मेन रीज़न है। ओके।